ये हटा देना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं गणित, और गणित में जो आज का नया चैप्टर है वो चैप्टर है घातांक एवं करणी। लेक्चर वन सीखने वाले हैं, बेसिक से सीखने वाले हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज सीखने वाले हैं, आपके नोट्स बनने वाले हैं, और उन नोट्स से हम अगर आखिरी रिवीजन करेंगे तो आपकी परीक्षा बनने वाली है, परीक्षा में पास होने वाले हो। छोटी छोटी चीजों से हम हर एक चीज वो पूरी करेंगे जो हमारे मन में है। गणित नहीं आती है तो गणित सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, और इसमें हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं, देखो 3 दिन हुए हैं, ये चौथा दिन है। हर एक चीज मैं आपको बता देता हूं ये कौन सा दिन है, चौथा दिन है। चलिए, तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे घातांक और करणी, और यहां पे हमारा ये जो चैप्टर है ये पहला है। उससे पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं, ठीक है। और आपके अंदर भी ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग मेहनत पर कभी कभी थोड़ा सा ये करते हैं कि यार डाउट हो जाता है मेहनत पे। डाउट नहीं करना है, मेहनत करोगे रिजल्ट जरूर निकलेगा, देर से ही सही लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। देखो, आज हम एक चीज आपको बताएंगे, नौकरी क्या क्यों नहीं लगती है, वो रीजन भी बताएंगे, ठीक है। चलो, हाँ, हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं, और मैथ्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करणी। जिन बच्चों को नहीं पता है, घातांक को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेसिस कहते हैं। कुछ लोग इसको इंडाइसिस पढ़ते हैं, और करणी को हम लोग सार्ड पढ़ते हैं, सर्ड, ठीक है। तो इंडाइसिस एंड सर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज समझेंगे, ये घातांक है क्या, करणी क्या है, एक एक डिफिनेशन जानेंगे, क्योंकि जब तक हम डिफिनेशन नहीं जानते हैं तब तक मामला बनता नहीं है, और वही चीज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी हेडिंग लगाते हैं, वो कौन सी है, घातांक। इंडेसिस, एक मिनट रुक ही जाते हैं क्योंकि एक ही इसमें स्लाइड आई थी। हेडिंग लगा लो सब लोग, घातांक। इंडेसिस, ठीक है। तो चलो, क्या होता है घातांक, हम लोग एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे कि जब कोई संख्या घात वाली फॉर्मेट में लिखी होती है, जैसे अगर हम कह दें 5 की पावर 7, क्या लिखा है, 5 की पावर 7, तो आपको पता है नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं।
सब चीज लिख जरूर लेना, ठीक है। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो पावर होती है। क्या होती है बच्चे? पावर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो आपको पता है यहां पर अगर कोई घात पूछे, क्या कहे, घात क्या है, तो आप तुरंत कहोगे सर जी घात जो है वो सात है। तो घातांक क्या है? घातांक आपकी ये पूरी संख्या है, ठीक है। तो समझ गए, जो संख्याएं घात में लिखी होती हैं, आसान सी लैंग्वेज है, लिखने की जरूरत नहीं है, जो संख्याएं घात में लिखी होती हैं वो घातांक होती हैं। क्या होती है बच्चे? घातांक होती हैं। तो ध्यान रखना, जैसे आपसे पूछा जाए 8 की पावर 7, ये क्या है? घातांक है। 2 की पावर 3, ये क्या है? घातांक है, ठीक है। तो समझ गए हो ना, जो संख्याएं पावर में लिखी होती हैं, घात में लिखी होती हैं, घात होती हैं। तो आपको ये पूछा जाए कि घात क्या है, तो घात है 7, लेकिन घातांक क्या है, तो घातांक है 5 की पावर 7। बात समझ गए हो, ठीक है। अगर ये सारी बात समझ गए हो तो अब इसके बाद जानना चाहोगे कि घातांक तो सर हम जान गए हैं, अब करणी क्या होती है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा ही घातांक है, ठीक है। लेकिन जब बात करोगे करणी की, करणी, क्योंकि करणी भी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, करणी क्या है? जिसको हम लोग सार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सार्ड्स कहते हैं। तो आपको बता दें, जो संख्याएं रूट में लिखी जाती हैं, ठीक है, जो संख्याएं मूल में लिखी जाती हैं, तो उनको करणी कहते हैं, जिन संख्याओं को मूल में लिखा जाता है। जैसे अगर कहा जाए 7, 7 को रूट में लिख दो, √7, तो ये √7 क्या हो गया भैया? √7 हो गया करणी, ठीक है। अब ये कौन सा रूट है? ये जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम द्वितीय रूट कहते हैं, द्वितीय मूल कहते हैं, सेकंड रूट, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको कहा जाए कि 8 का तृतीय मूल बताओ क्या है, 8 का तृतीय मूल बताओ क्या है। तृतीय मूल को अगर इंग्लिश में हम देखें तो तृतीय मूल को हम लोग कहते हैं थर्ड रूट। क्या कहेंगे? थर्ड रूट। 8 का थर्ड रूट क्या है? तो आप कहोगे ये ऐसे लगा दो और ऐसे घर बना के 8 को अंदर लिख दो, हो गया। ये √8 है। 8 का तृतीय मूल क्या है? √8 है, ठीक है। 8 का 5वां रूट क्या है? 5th root 8 हो जाएगा। 8 का 6ठा मूल क्या है? तो 6th root 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो आपको नॉर्मली समझना है, संख्या के मूल को करणी कहते हैं, संख्या की घात को घातांक कहते हैं। आसान सी भाषा, अगर किसी संख्या के ऊपर घात लगी है तो घातांक कहते हैं, संख्या के मूल को करणी कहते हैं। 8 का तृतीय मूल, तो ये मूल है ना, तो इसको करणी कह रहे हैं। अब हम ये तो बता चुके हैं कि घातांक क्या है और करणी क्या है। अब इन दोनों को मिला के घातांक करणी वाला चैप्टर बना है, ठीक है। इसको कैसे समझना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको घातांक के नियम सीखने पड़ेंगे। क्या सीखने पड़ेंगे? घातांक के, फिर करणी के नियम सीखने पड़ेंगे। और अगर इसमें एक भी चीज मिस करते हो तो फिर ना घातांक समझ में आएगा और ना करणी समझ में आएगी, ना शॉर्ट समझ में आएगा, ना इंडेसिस समझ में आएगी। तो चलो अब हम इस चीज के नियम की बात करते हैं, तो नियम को समझते हैं। चलो हम नियम कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं, इनको आप नोट करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे घातांक की गुणनखल, यानी घातांक के नियम की हम बात कर रहे हैं। हेडिंग लगा लेना सभी लोग, घातांक के नियम। घातांक के नियम में हम जो पहले नियम की बात करेंगे, यानी फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या है, तो पहला नियम बहुत आसान है, ठीक है। जब भी घात सेम हो, तो गुणा करने पर, लिख लेना सभी लोग, गुणा करने पर पावर, पावर का मतलब समझते हो ना, घात, पावर जुड़ जाती है। यह घातांकी गुणनफल का नियम है, घातांकी गुणनफल का नियम है, ठीक है। तो जब भी घात सेम हो तो गुणा करने पर पावर जुड़ जाती हैं। इसका नियम देख लो, पहले नियम का हम एग्जाम्पल भी समझते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? जैसे अगर लिखा है 2 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 3 बराबर आपसे पूछा जाए,
तो आपने देखा जब जब भी, सॉरी आधार सेम हो यार, थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिए इसको, जब भी आधार सेम हो तो गुणा करने पर पावर जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती, पावर यानी कि घात, ठीक है। चलो अब देख रहे हो आधार सेम है, आधार आपको पता है नीचे वाली संख्या होती है, तो आधार सबके क्या है, दो ही दो है, और गुणा करने को बोल रहे हैं, क्या करने को बोल रहे हैं, गुणा करने को बोल रहे हैं, तो पावर जुड़ जाएगी सबकी, चार प्लस पांच प्लस तीन, तो पांच चार नौ, और नौ तीन कितना हो जाएगा, बारह, यानी आप आसानी से लिख सकते हो दो की पावर बारह, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब भी आधार सेम हो, आधार सेम हो, ये ध्यान देना है। जैसे अगर एक को एग्जांपल हम आपको और दे दें तो आप ये भी बता सकते हो कैसे, कि पांच की पावर, पांच की पावर सात इंटू पांच की पावर तीन बटे दो क्या होगा। एक पांच की पावर सात है और एक पांच की पावर तीन बटे दो है, आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे सर जी यहां पर तो आधार सेम है, आधार बराबर है, पांच ही पांच है, तो पावर जुड़ जाएगी। तो पावर में क्या है, पावर में एक सात है और एक तीन बटे दो है, तो जोड़ के बताओ, तो सात दूना चौदह, क्रॉस मल्टीप्लाई, सात दूना चौदह और चौदह में तीन जोड़ दो, चौदह तीन सत्रह बटे दो, तो कितना आ जाएगा, सत्रह बटे दो, सत्रह बटे दो पावर किसकी है, पांच की, तो पांच की पावर सत्रह बटे दो। ये देखो कितनी आसानी से कर लिया, कितनी आसानी से कर लिया, बताओ बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आपको करना है, तो ये पहला नियम आपका हो जाएगा कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप इसको रिवर्स करके फिर से देख सकते हो, क्लियर है। चलो अब हम दूसरे नियम पर चल रहे हैं, ऐसे नियम कई बना सकते हो, ये क्वेश्चन जब आएंगे तो हम हर बार बताएंगे इसमें नियम पहला लगा है, इसमें नियम दूसरा लगा है, नियम पर आप लोगों को फोकस करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये दूसरा नियम है, जब आधार सेम हो तो भाग करने पर, भाग यानी डिवीजन करने पर, भाग करने पर, भाग करने पर पावर या घात, पावर, पावर का मतलब घात होता है, पावर घट जाती है। ये हो गया दूसरा नियम, ये भी सीख लो फटाक से। हमने कहा कि यहां पर दो की पावर पांच और भागित दो की पावर तीन, ये कह दिया, दो की पावर पांच भागित दो की पावर तीन कह दिया, तो आप तुरंत कहोगे कि सर जी दो इधर भी है, बेस दो इधर भी है, बेस दो इधर भी है, और भाग करने पर और भाग का साइन लगा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पावर घट जाती है। तो पांच में तीन घटा दो, दो की पावर पांच, फाइव माइनस थ्री, पांच में तीन घटा दो, पांच में तीन घटा दिया दो, और दो की पावर दो कितना होता है, चार, ठीक है। ये कर सकते हो, हमको केवल इतना ही समझना है, दो की पावर दो आ गया, क्लियर है। आप जानते हो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां पर कभी भी अगर ऐसी चीजें दी जाए कि तीन की पावर आठ और बटे तीन की पावर दो, तीन की पावर आठ बटे तीन की पावर दो, अब देख रहे हो बेस यहां पर भी तीन है, बेस यहां पर भी तीन है, तो इस तीन को ऊपर भेजेंगे तो या भाग कर रहे हैं या डिवाइड का साइन लगा हुआ है, बटे का साइन लगा हुआ है, तब भी हमको पता है कि दो में आठ को घटा दो, पावर घटा दो, तीन की पावर आठ में दो जाएगा, कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो बात यह बिल्कुल भेजे में डाल लो कि जब आधार सेम है तो भाग करने पर पावर घट जाएंगी, ठीक है, और जब भी आधार सेम हो गुणा करने पर पावर जुड़ जाती है, क्लियर है। लेकिन जब दोनों ही चीजें आ जाएं, नियम एक और नियम दो अगर जोड़ दिया जाए, नियम एक और नियम दो से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे दे दें कि दो की पावर चार भागित दो की पावर तीन इंटू चार की दो की पावर पांच भागित दो की पावर छह, ऐसे दे दिया, तब क्या करोगे भाई, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करेंगे, तो
एक तो मैं बेसिक तरीका बता देता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप नहीं कर पाते हो, तब तो बड़ी गंदी बात है कि आप सीख भी रहे हो और फिर कर भी नहीं पा रहे हो। बहुत से हम देखते हैं जब क्लास आप करते हो, बहुत सी जगह करते हो, तो कमेंट जाकर हम अक्सर पढ़ लेते हैं बच्चों के, तो उसमें यही निकलता है कि सर आप बताते हो तो हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं किताब खोलता हूं तो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? उसके भी कई रीजन है, क्योंकि बेसिक से नहीं सीखते हो, तो पहला रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज है RLP, ठीक है, LRP भी कह सकते हो, RLP भी कह सकते हो, लर्न रिवीजन प्रैक्टिस। लर्न रिवीजन प्रैक्टिस, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए। लेकिन अभी इन सब चीजों की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पे फोकस करना है, क्योंकि बेसिक ज्यादा जरूरी है सीखना। अब देखो, हमको पता है कि अगर 2 भागित 3 लिखा हुआ है, तो हमने कहा है जब भी भागित आए, क्योंकि भागित को आप सॉल्व कर नहीं पाते हो, तो भागित को इंटू कर दो। भागित को क्या बना दो? इनटू बना दो। तो जो भागित के जस्ट बगल वाली संख्या थी वो इनवर्स हो जाती है, इनवर्स यानी जस्ट बगल वाली, केवल, तो इनवर्स हो जाएगी। तो 3 का इनवर्स यानी 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/3। काम हो गया, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/3। क्लियर है? ये चीज आपको सीखनी है ना? तो जैसे ही हमने कहा यार इसको भी उल्टा कर लो, तो इनटू लगाया, इनटू तो 2 की पावर 3 का उल्टा हो गया, तो 2 की पावर 3 का जब उल्टा होगा तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगा? 3। अब ये तो इनटू है, ठीक है, काम चल रहा है हमारा, ये डिवीजन का साइन लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने इसको भी इनटू बनाया, तो इनटू बनाया तो जस्ट बगल वाली संख्या डिवाइड में चली जाएगी, यानी 1/ कितना था मैं भूल गया, 2/6 था, तो 1/2 की पावर 6। तो बड़ा आसान हो गया सर जी, सबको सामने सामने दिख रहा है, ऊपर दो, ऊपर सारी संख्या गुणा कर दो, नीचे वाली सारी संख्या आपस में गुणा कर दो, फिर बाद में सेट कर लेंगे। और इसका डायरेक्ट तरीका हम बताएंगे अभी, ठीक है। हमने देखा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, गुणे में पावर जुड़ती है, 5 और 4 जुड़ जाएगा, यानी 2 की पावर ऊपर कितना है? 9, और नीचे 3 है और 6 है, बेस सेम है, और 6 और 3 जुड़ जाएगा, और 2 की पावर नीचे भी हो गया 9, ठीक है। और 2 की पावर 9 में ऊपर 9 जाएगा, ये 9 से 9 घट जाएगा, तो क्या निकल आएगा? 2 की पावर 0। अब ये 2 की पावर 0 से हम एक नया नियम सिखाने जा रहे हैं आपको, वो रूल नंबर 3 है। क्या है रूल नंबर 3 है? वो रूल नंबर 3 क्या है? किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो हमेशा उसका आंसर 1 माना जाएगा, उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी। वो चाहे हम कह दें 892 की पावर 0, आप कह दोगे इसकी वैल्यू 1 है। आपसे कह दिया जाए 5 की पावर 0, आप तुरंत कह दोगे इसकी वैल्यू 1 है। आप कह दोगे y की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। आप कह दो xyz कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। ध्यान रखना, अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। ध्यान देना इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें जो मैं सिखा रहा हूं। ये तीसरे नियम में, ये नियम नंबर हमने क्या कह दिया, ये तीसरा नियम है, इस तीसरे नियम को हमेशा याद रखना। पहला दूसरा तीसरा, 3 नियम हुए हैं। तीसरे नियम के साथ ही हम चौथा नियम भी सीखने जा रहे हैं, जो कि उसी सवाल में काम आया था, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4, पावर को ऊपर नीचे, सरल भाषा में हम सिखा रहे हैं, पावर यानी घात, ठीक है। हम अपने हिसाब से रूल लिखते हैं और अपने हिसाब से रूल तुमको सिखा रहे हैं, क्योंकि फिर गणितीय भाषा से ही सीखना होगा तो किताबों में भी लिखा होता है, तो उससे सीख लेते। तो घात को ऊपर नीचे ट्रांसफर करने पर घात प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाती है। लो, हो गया। उसी सवाल में सीख लेंगे चल के, जो सवाल था, ठीक है। लेकिन यहां पर हम अगर बता रहे हैं, अगर 5 की पावर 6 ये लिखा हुआ है, 5 की पावर 6 पावर प्लस में है, तो हम कहते 5 को नीचे कर दो। 5 को अगर हम नीचे करके लिखे 1/5,
पांच की पावर छह है, तो ये छह जो प्लस में है ना, ये बेटा माइनस में हो जाएगा, और दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर है, दोनों ही वैल्यू बराबर है। पांच बटे छह कहो चाहे एक बटे पांच की पावर माइनस छह बोलो, दोनों ही चीज सही है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर कहीं पर लिखा है कि चार की पावर तीन और बटे क्या लिखा है, पांच लिखा है, ऐसे लिखा है, तो आप जानते हो चार को नीचे ले आओ, चार को नीचे ले आओ, एक बटे पांच तो है ही, लेकिन चार भी तो आ गया ना, तो चार आ गया, लेकिन चार की पावर जो ऊपर प्लस थी वो नीचे आके क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। ऊपर अगर पांच की, पांच को हम ऊपर लेना चाहते हैं तो हम ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे पांच की पावर जब कुछ नहीं है तो प्लस का एक होता है, जब किसी संख्या की पावर में कुछ ना लिखा हो तो प्लस वन होता है। तो हम जानते हैं इसके नीचे प्लस वन है, इसको ऊपर जब लेके जाएंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे, यहां से हटा दो, जब ऊपर लेके जाएंगे तो पांच की पावर हमें फिर माइनस वन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, हमें पांच की पावर माइनस वन दिखाना पड़ेगा। एक तो यह चीज हो गई। यहीं पर अगर हम ये भी कर सकते हैं, ये सब चीजें बीच सवाल में काम आती हैं, चार बटे पांच की पावर अगर तीन है, क्या है, तीन है, तो ये जो चार बटे पांच है इसका इनवर्स करोगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। अगर चार बटे पांच को हम पांच बटे चार कर दें, पांच बटे चार, तो आप तुरंत कह दो ये जो तीन प्लस का है ना, ये सर जी माइनस का हो जाएगा। पावर अगर तुमने माइनस की है तो संख्या इनवर्स हो जाएगी, ये नियम सीख लो या तो, ठीक है, ये नियम सीख लो। अगर आपसे कोई कह दे कि एक बटे पांच लिखा है, इसको क्या पांच बटे एक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, पांच बटे एक बिल्कुल कर सकते हैं, अभी एक बटे पांच की पावर एक है, तो आप तुरंत कह दो पांच बटे एक की पावर फिर माइनस वन हो जाएगी, ये हो जाएगा, दोनों ही चीजें सेम लिखी है। अगर कोई कह दे तीन बटे चार की पावर, तीन बटे चार की पावर माइनस पांच लगा है, सर जी इस माइनस को हटाना है, इस माइनस को हटाना है, तो आप कहोगे पलट दो, चार बटे तीन कर दो, और जो माइनस पांच था वो अब क्या हो गया, प्लस पांच हो गया। तो आप घात को प्लस से माइनस करना और माइनस से प्लस करना सीख चुके हो, ये रूल नंबर फोर आपको सिखा रहा था, इसकी जरूरत सवालों के बीच में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहां से हम लोग एक चीज सीख रहे हैं, देखो यही वाला सवाल था जैसे, ठीक है, यहां पे सवाल था, इसको देखो, जैसे ये दो की पावर नौ किस में है, प्लस में है ना, तो बेटा दो की पावर नौ को ऊपर ले चलो गुणे में, तो दो की पावर कितना हो गया, माइनस का नौ हो गया, हो गया, नीचे से जो दो की पावर नौ था वो ऊपर लेके आए, दो की पावर क्या हो गया, माइनस नौ हो गया। अब यहां पर क्या होगा, अब ये होगा, देखो गुणे हैं, गुणे में पावर जुड़ जाती हैं, तो भाई जोड़ो, दो की पावर नौ में माइनस नौ जोड़ो, जोड़ ही रहे हैं वो, लेकिन ये माइनस नौ है, तो नौ से नौ कट गया, क्या गया, दो की पावर जीरो इक्वल टू वन। आपको पता है किसी की संख्या की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू एक होती है। तो हम चार नियम सीख गए हैं, कितने नियम सीख गए हैं, हम लोग चार नियम सीख गए हैं। वो चार नियम कौन से हैं, घातांक के नियम की हम बात कर रहे थे, पहला नियम हमने सीखा, ठीक है, दूसरा नियम सीखा, जब आधार सेम हो तो घट जाता है, किसी संख्या की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है, और घात को ऊपर नीचे करने पर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है, बस इतना हमने सीख लिया है। अब जो तीसरा नियम है, वो तीसरा नियम हम क्या सीख लें, तो हम सीखेंगे यहां पर व्युत्क्रम घात का नियम, पक्षांतर करने का नियम, ये हम लोग पांचवे नियम पर सीख रहे हैं। पांचवा नियम क्या है, आपको पता है पक्षांतर करना जानते हो, जैसे अगर आपसे कहा जाए a प्लस बी बराबर जीरो, तो आप कहोगे सर जी ये जो प्लस है अगर पक्षांतर करोगे, बराबर के उधर ले जाओगे, तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ये तो सीखा है हमने, माइनस भी, ये सबको पता है, ठीक है। अगर कोई कह दे 2x माइनस ए बराबर जीरो है, सर जी वो जो माइनस ए ना उधर ले जाओगे, अगर इसको ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ए हमने इधर रखा और ये प्लस का 2x है, जब कोई साइन नहीं लगा होता तो प्लस का माना जाता, उधर ले गए तो माइनस का 2x हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई। ये सब चीजें हम करना जानते हैं, ठीक है, पक्षांतर। तो पावर घातों का पक्षांतर करना आपको सीखना है, क्या सीखना है बेटा फिर से बोलो, घातों का पक्षांतर, है ना, घात का पक्षांतर करना है।
तो घातों का पक्षांतर कैसे होगा? अगर a की पावर 2/5 लिखा है, ये नियम सीखना है, ये पांचवा नियम है, और हर नियम पर काम जब तक नहीं करोगे तब तक मामला सेट नहीं होगा, ठीक है। a की पावर 2/5 है तो आप कह दो सर जी इस पावर को पक्षांतर कर दो, इस पावर को उधर भेजो, तो अगर ये पावर बराबर के उधर जाएगी तो इनवर्स होगी, और इधर से इधर आएगी तब भी इनवर्स होगी। इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम हो जाएगी, घातों का व्युत्क्रम। नियम क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं घात का व्युत्क्रम नियम। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स करने वाला, इनवर्स करने वाला व्युत्क्रम नियम है ये बेटा, ठीक है। इसी को कहते हैं घात का व्युत्क्रम नियम, ठीक है। तो a की पावर 2 है, लेकिन हम कह रहे हैं सर जी ये a एक से हटा दो, ये इस 2 को यहां से हटा दो, इस तरफ भेजो, तो हम कहो भेज दो, 2 का इनवर्स कर दो, 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2। बढ़िया, अच्छी चीज दिखी आपको। फिर हम ये ये एग्जाम्पल है, हम ऐसे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं ना, जैसे a की पावर अगर आपके पास लिखा है 4/5 और इधर लिखा हुआ है कितना, 5 ही लिखा हुआ है या कुछ कोई संख्या लिखी है, ये आप चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, इस पावर को a से हटा दिया जाए, उधर भेज दिया जाए, तो आप कहोगे a बराबर 5 की पावर, व्युत्क्रम हो जाएगा, 4/5 का उल्टा, जैसे 2 का उल्टा 1/2, 2 का उल्टा मतलब 2/1, 2/1 का उल्टा 1/2, 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4, 5/4 क्या हो जाएगा, 5/4। अभी बहुत अच्छी चीज सिखाने वाले हैं, हर एक चीज तुमको बेसिक से सीखनी पड़ेगी, तभी आपको यहां पर मजा आएगी, ऐसे मजा नहीं आएगी भाई, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आएगी। तो ये हो गए, इतने सारे नियम तो हमने सीख लिए हैं, अब एक जो बेसिक चीज बाकी है वो भी हम आपको सिखा देते हैं, लेकिन कुछ चीजें इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए 8/2/3 और बराबर एक्स है, ठीक है, तो इस 2/3 को उधर भेजोगे तो 8/x क्या हो जाएगा? आप करो, ये करो, नियम सिखा रहा हूं, अभी ये सब कुछ है नहीं, ये बीच बीच में चीजें आएंगी, तब आपको नियम नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, तो कहोगे 2/3 इधर जाके 3/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 पढ़ लेंगे। अब जो चीज है वो सीखेंगे, अब हम पांचवें नियम के बाद छठे नियम, जो लास्ट नियम है घातांक का, घातांक का अंतिम नियम, सिक्स्थ नियम, छठा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, और हम तो कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, और क्यों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी समझ जाओगे। आपको 2/3 होल पावर 2 होल पावर 3, कभी पावर में होल ब्रैकेट लगा होगा, ब्रैकेट के ऊपर पावर, फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर, ब्रैकेट के ऊपर पावर, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप ये हमेशा याद रखना, जितने ब्रैकेट खोलोगे उतने पावर का मल्टीप्लाई होगा, उतने पावर का गुणा होगा। जैसे ये पावर हमने ये ब्रैकेट खोला, ये ब्रैकेट अगर हटाया हमने ऐसे, तो हम कह देंगे 2/3, ये वाला अगर हमने ब्रैकेट हटाया तो हम तुरंत कह देंगे 3/2, तो पावर तो सारी गुणे हो गई, तो आप इजिली आंसर दे सकते हो, 3 × 6 = 18, यानी 2/ आ जाएगा कितना बेटे, 18। तो ध्यान रखना, मैं फिर से आपको यह बता देता हूं कि कभी भी अगर पावर टू दी पावर अगर ऐसे आपको पावर मिल रही है, होल टू दी पावर, जैसे 2/3, 3/4, फिर होल पावर 5, फिर होल पावर 6, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप तुरंत क्या करोगे, ये बार बार ब्रैकेट हटाओगे थोड़ी नहीं, कहोगे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा, ये ब्रैकेट वाला हटेगा तो ये गुणा हो जाएगा, ये वाले ब्रैकेट हटेगा तो ये, तो आसानी से लिख दोगे 2/3 × 4 × 5 × 6, 3 × 4 = 12, 5 × 6 = 60, 6 × 36, 3 × 4 = 12, 5 × 6 = 36, यानी 2/360 हो गया, ठीक है, 360 आ गया, 2/ कितना, 360। अब एक चीज और समझ लो, अब आपने ये नियम तो सीख लिया, लेकिन इस नियम का तुम, इस नियम को कंफ्यूज कब होते हो, इस नियम को लेके कंफ्यूज कब होते हो, जब एक दूसरी चीज आपके सामने दिख जाती है,
क्या आपको हमने यह सिखाया कि 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 ये क्वेश्चन दिखे तो आप फटाक से बता दोगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी. सर 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 और क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 दुना 4 दुना 8 हो जाएगा. ठीक. लेकिन कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट होती है, कंफ्यूजन बनती है यहां पर जब ब्रैकेट नहीं लगे होते 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2. सवाल ऐसे मिल गया. एक सवाल ऐसे मिला तो हमने ये कर लिया कि 2 की पावर 8 है, ये तो बढ़िया है, ये तो मैं सीख के आया था. ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर में गुड़े का साइन लगा देंगे. लेकिन जब ऐसे मिल गया तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सेम है, तो भाई सेम नहीं है. जब ब्रैकेट नहीं लगा होता है पावर के बीच में, घातों के बीच में जब ब्रैकेट नहीं लगा होगा, तब हम क्या करेंगे, ऊपर से सॉल्व करते हैं. क्या सॉल्व करते हैं, ऊपर से सॉल्व करते हैं. पहले 2 की पावर 2 कितना होता है, आप कहोगे सर जी 2 की पावर 2 होता है 4. फिर इसकी जगह आप 2 की पावर 2 ये तो लिखा ही इतना, अब ये 4 को इसकी जगह पर 4 लिख दोगे. समझे, अब 2 की पावर 4 ऊपर से ही सॉल्व करेंगे. 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 की पावर 4 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 की पावर 4 यानी 16. 2 की पावर 4 कितना होगा, 16. अब हमारे पास नीचे 2 बचा है और उस पूरे गोले की जगह हम क्या कर देंगे, 16 लिख देंगे. देखो कितना फर्क आ गया, यहां पर 2 की पावर 8 निकल रहा था और यहां पर 2 की पावर 16 निकल रहा है. बात समझ में आई है कि नहीं आई है, बात समझ में आई है कि नहीं आई है, जल्दी से बताओ, बोलो. तो इतनी अगर बात आपको समझ में आई है जिसमें हम घातांक छठवां नियम सीख रहे, तो छठवें नियम में हमने ये एक चीज सिखा दी है. जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मैं एक और करवा सकता हूं कि अगर आ जाए 3 की पावर 2 की पावर 4 की पावर 2 ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम ऊपर से सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसमें गुणा नहीं करते हैं. इसमें जो बच्चा ये कर देगा कि 3 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 2, उसका सवाल तुरंत क्या कर देना, गलत कर देना. भाई गलत है ये. इसको करने का नियम क्या होगा कि पहले 4 की पावर 2 4 इंटू 4 4 चौक 16 होता है. 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा. और 16 को हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 2 की पावर 16. उस 2 की पावर 16 तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे यार. ठीक है, 2 की पावर 16 जो आएगा वो 3 की पावर लिख जाएगी. 2 की पावर 16 की वैल्यू जो आएगी, वो 2 की पावर 16 की वैल्यू क्या होती है, अगर हम देखें 2 की पावर 6 तो पता है 2 की पावर 8 होता है 256. 256 इंटू 256 ये इतनी कुछ वैल्यू होगी जो 3 की पावर में लिखी जाके. हमने बड़ा लिख दिया है जिसको हम 256 इंटू 256 यहां पर आएगा. ठीक है, सब समझ में आ रही कि नहीं, तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी. अब हम आते हैं सीधा करणी के बारे में. अब एक चीज और, ये घातांक का नियम है लेकिन हम लोग चलते हैं करणी की ओर, करणी के नियम सीखेंगे. करणी यानी रूट्स, करणी यानी सॉर्ट्स. आपको हमने बताया है, ठीक है, जो संख्याएं रूट में लिखी जाएं, संख्याओं के मूल को लिख देता हूं मैं, संख्याओं के, और पढ़ना भी सीखना है आपको, संख्याओं के मूल को, मूल को क्या कहते हैं बेटा, करणी कहते हैं. आप कहोगे सर जी मूल क्या होता है, मूल क्या होता है, तो मूल को हम बच्चे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट कहते हैं. क्या कहते हैं, रूट कहते हैं. संख्याओं के मूल को करणी कहते हैं. लेकिन यहां पर एक चीज समझनी होगी, जो रूट, रूट तो हम कहते हैं लेकिन करणी क्या होती है, थोड़ा सरल भाषा में भी करणी को आपको जानना है ना. ठीक है, करणी घात के, घात का उल्टा होती है, घात का इनवर्स होती है. करणी घात का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है.
अब ये चीजें कोई सिखाएगा कि नहीं भाई करणी क्या होती है, ये घात घात और करणी आपस में दुश्मन है, ये उल्टा है, ये सीखना है आपको कि करणी जो है वो घात का व्युत्क्रम होती है, घात का उल्टा होती है। सर जी ये कैसे होगा? अभी अब हम आपको सिद्ध करना सिखाएंगे कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि जो संख्या इधर पावर में थी दो और उधर गई तो ये करणी बन गई। तो आप इसी चीज को जो ऐसे लिख रहे थे ना, इसी चीज को आप ऐसे लिखोगे। ये चीज देखे रहे ना, हमने लिखा था कि ए की पावर दो और बराबर इधर लिखा था पांच, और जैसे ही आप इधर से स्क्वायर, घात दो है तो मूल दो बनेगा, जाके करणी दो की बनेगी। कौन सी करणी बनेगी? दो की। तो हमने यहां पर लगा दिया ऐसे करणी, ठीक है। अगर यहीं पर ए की पावर तीन होता और इधर पांच होता तो हम कहते ये तीन हटाओगे तो इधर क्यूब रूट लगा दोगे, तृतीय मूल की करणी बना दोगे। अगर इधर घात तीन होगी तो पक्षांतर करने पर घात को तृतीय मूल की करणी बना देंगे, यानी घात को पक्षांतर कर रहे हैं तो करणी बन रही है, करणी को पक्षांतर करेंगे तो घात बनेगी, घात को इधर उधर ले जाएंगे तो करणी, करणी को इधर लेके आएंगे तो घात। उल्टा है, व्युत्क्रम है। आप कहोगे सर जी और थोड़ा सा सिद्ध करो, तो हम और आपको सिखाते हैं यहां पर, ठीक है, यहीं पर सिखाते हैं। अब आपको बता दें, बहुत ध्यान से सीखना, अगर हम यहां पर कोई संख्या x ले लें और x की पावर अगर हम कह दें दो, x की पावर कह दें अगर दो, ठीक है, तो आप कहोगे सर जी ये तो दो घात है, घात का इनवर्स करो, घात को उल्टा करो, घात का व्युत्क्रम करो, तो आप तुरंत कह दोगे x की पावर 1/2, घात का इनवर्स। देखो घात का व्युत्क्रम होती है किसका? करणी घात का व्युत्क्रम होती है। तो x की पावर दो, तो x की पावर 1/2, तो 1/2 क्या है? करणी हो गई, ठीक है। दो क्या है? घात है। यहां पर 1/2 को हम जब पावर जब ऐसे लिखी होती 1/2, तो पावर ये हटा के हम सीधा रूट भी लगा सकते हैं, x यहां पर आ गया और यहां पर आ गया दो, स्क्वायर रूट x, ठीक है। x की पावर 1/2 कहो चाहे स्क्वायर रूट x कहो। कोई संख्या अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी है, लिखी जाए 2/3, तो अब यहां पर तुम्हें असली बात समझ में आएगी जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, कि अगर x की घात 2/3 है तो ऊपर वाली जो संख्या होती है, जो अंश में होती है, ऊपर वाली अंश फ्रैक्शन है 2/3, भिन्न है 2/3, जिसमें 2 जो है उसको हम घात कहते हैं और जो 3 है इसको हम करणी कहते हैं। करणी कह दो या 3 को हम कहेंगे मूल, मूल कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चे? रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। 3 क्या है? रूट है। या करणी कहो, रूट बराबर ही आ जाती है, क्योंकि जब हम पढ़ने लगते हैं तो मूल भी निकल मुंह से निकलने लगता है, रूट भी निकलने लगता है और करणी भी निकलने लगता है। हम करणी एटलीस्ट यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम हर जगह पर रूट 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 यानी करणी, घात पावर 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 यानी घातांक, हम घात 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 ही पढ़ते हैं, पावर 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 जहां पढ़ेंगे वहां पर घातांक है, तो घातांक कभी पढ़ना नहीं है, करणी कभी पढ़ना नहीं, करणी का मतलब रूट, ठीक है। तो जो 3 है वो रूट है, तो अगर इसी संख्या को, बच्चे बात को ध्यान से समझना, अगर इसी संख्या को रूट के फॉर्म में, जैसे 3 रूट है तो नीचे वाली को 3 रूट में डाल दो, ऐसे 3 क्यूब रूट, 3 यहां डाल दिया क्यूब रूट, और एक्स हमने यहां रख दिया अंदर, और पावर कितनी है? पावर 2 है, तो पावर लगाना मत भूलना, पावर लगा दो, हो गया, ऐसे लिख सकते हो। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम यहां पर सब कुछ बता देंगे आपको। ठीक है, चलो हम सब कुछ सिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो कोशिश कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम सब कुछ आपको सिखा देंगे जिससे डर लगता है आपको, और हर चीज आपको समझ में आएगी। मैं झूठे वादे नहीं करता हूं, जो भी वादे होंगे बिल्कुल परफेक्ट होंगे। 50 दिन की क्लास जो होगी वो 50 दिन की होगी, और 50 से 55 होगी, 50 से 49 नहीं होगी, लिख के ले लेना, ठीक है। मैथ में आपको सब कुछ, ये आपको लग रहा है ना कि मैं सीख नहीं पाऊंगा, आपको ये 50 दिन में ये लगने लगेगा, नहीं मैं सीख सकता हूं,
बिल्कुल सीख सकता हूँ, 110% सीख सकता हूँ, बस मेहनत नहीं करता हूँ, ठीक है, हर एक चीज। अब ये चीज हो गई है, हाँ यहां पर आ जाओ। हमने कहा एक्स की पावर 4/3, अब बोलना शुरू कर दो, तीन क्या है, तीन सर जी रूट है, तीन क्या है रूट है, चार क्या है, चार है सर जी पावर। अगर इसको रूट में लिखना ही पड़ जाए इस संख्या को, तो आप कहोगे ये हो गया तीन, यहां आ गया ये रूट तीन, यहां पे लग गया, और चार जो घात थी वो एक्स की पावर चार लग गई, एक्स की पावर क्या लग गई, चार। यानी इस चीज को हम इस चीज में लिख सकते हैं, ये है करणी, ये है करणी, और करणी के साथ घात भी है। तो इसी के लिए हम इस चैप्टर का नाम क्या करते हैं, घातांक और करणी, इसलिए पढ़ते हैं, और इसलिए इन दोनों को जोड़कर ही सवाल भी आते हैं, घातांक और करणी, क्योंकि इसमें घातांक घात भी दिख गई और करणी भी लगी है, रूट भी लगा है। तो बात अब समझ गए होंगे, मैं डिफिनेशन समझा पाया हूंगा कि करणी एक्चुअल में है क्या, वो समझ पाए होगे तुम, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई है, अब इन सब चीजों के करणी के नियम होते हैं, करणी के क्या, जैसे हमने घातांक के नियम सीखे हैं, तो कुछ करणी के नियम भी होते हैं, तो करणी के नियम भी सीखना है। करणी के नियम के साथ साथ हम जानते हो करणी के नियम पे ही आ जाते हैं सीधा, करणी के नियम, पहला नियम, करणी का पहला नियम को अगर समझना है तो उसके लिए हमको एक चीज जाननी पड़ेगी, वो क्या है, करणी कितने प्रकार की होती है। सर जी करणी दो प्रकार की होती है, सजातीय करणी और विजातीय करणी। करणी सर दो टाइप की होती है, सजातीय करणी और विजातीय करणी, ये सर कैसे पहचानेंगे। तो अब इसको समझो, करणी के मूल वा करणीगत संख्या, करणीगत का मतलब करणी के अंदर, करणीगत संख्या दोनों समान है, लिख लेना इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों समान है, तो करणी कैसी है, तो करणी सजाती है। बात को बहुत ध्यान से समझने वाली है ये, जो चीज मैं ऐसे फर्जी नहीं लिख रहा हूं, और आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें ऐसी फर्जी सर लिख रहे हैं, तो नहीं बेटा, तुम्हारे हित में लिख रहा हूं कि करणी के मूल, अब करणी के मूल ही नहीं पता, चलो करणी के मूल सिखा देता हूं। कहा जाए करणी का दूसरा मूल लिखो तो स्क्वायर रूट, करणी का तीसरा मूल क्यूब रूट, करणी का चौथा मूल फोर्थ रूट। कुछ लोग तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, अगर ऐसे लिखा है ये लिखा है तो इसको क्या पढ़ोगे, और अगर ऐसे लिखा है तो क्या पढ़ोगे, दोनों चीजें अलग अलग हो गई, पढ़ना ही नहीं आता सब, अरे दोनों ही सेम लग रही। नहीं भैया, ये जो तीन है इसके ऊपर अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर ऐसे, ठीक है, तो ये तीसरे मूल की करणी है, तीसरे मूल की, इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड रूट, थर्ड रूट पढ़ेंगे इसको, हम क्या क्या पढ़ सकते हैं बता रहे हैं, थर्ड रूट फाइव, इसको और क्या पढ़ सकते हैं, क्यूब रूट फाइव, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको कहेंगे थ्री रूट फाइव, ये, और इसको क्या पढ़ेंगे, और भी पढ़ सकते हैं, थ्री स्क्वायर रूट फाइव, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं इसको स्क्वायर रूट कह रहे हैं कि जब करणी के ऊपर कोई मूल ना हो तो हमेशा द्वितीय मूल की करणी होती है, यानी यहां पर हाइड हमेशा दो छुपा होता है, कितना छुपा होता है, दो, दो ये हाइड होता है। अगर कोई भी करणी ऐसे लिख दी जाए तो ये मान के चलोगे स्क्वायर रूट की करणी है, कौन सी है, दूसरे मूल की करणी है, स्क्वायर रूट कहेंगे इसको, तो हम इसको थ्री रूट फाइव भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं थ्री स्क्वायर रूट फाइव, ये क्यूब रूट फाइव है, या इसको थर्ड रूट कह दो, यहां पर अगर तुम पांच लगा देते तो हम क्या कहते, फाइव थर्ड रूट फाइव, फाइव थर्ड रूट फाइव, या कहते फाइव क्यूब रूट फाइव, क्यूब रूट फाइव,
यहीं पर सीख लेना ये सब चीजें, यहीं पर अगर बेटा अगर चार लगा होता तो इसे क्या पढ़ते हम, पता है स्क्वायर रूट पढ़ लेते हैं, क्यूब रूट पढ़ लेते हैं, यहां पर फोर आ गया तो इसको पढ़ेंगे फोर्थ रूट फाइव। अगर इधर चार लगा होता, चार के बाद फोर्थ रूट फाइव, तो आप कह देते फोर फोर्थ रूट फाइव, इसको ऐसे पढ़ते चार चार फोर्थ रूट फाइव, ठीक है ऐसे पढ़ना है। यहां पर फाइव लगा होता, यहां पर फाइव होता तो पांचवें मूल की करणी हो जाती जिसको हम फिफ्थ पढ़ते। क्या पढ़ते? फिफ्थ पढ़ते हैं, फिफ्थ रूट फाइव, फिफ्थ रूट फाइव। छठे मूल की करणी को सिक्स्थ पढ़ेंगे, आठवें मूल की करणी को एट्थ पढ़ेंगे, नवे मूल की करणी को नाइन्थ पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब ये घात, ये क्या है? गुणांक है। गुणांक मतलब ये स्क्वायर रूट फाइव में तीन का गुणा है, गुणा गुणा है, इसलिए गुणांक है, गुणज है, ठीक है। तो ये चीजें मैं काफी हद तक आपको समझा पाया हूं। तो अब यहां पर आ जाते हैं, अब एक चीज और समझ लो, यहां पे करणी के मूल तो हम जान गए लेकिन करणीगत, करणीगत का मतलब होता है करणी के अंदर। करणीगत का मतलब क्या होता है? अगर कभी भी जैसे ये कहा जाए रूट छ, तो आप कहोगे ये तीन सरजी क्या है? ये तीन है मूल, ये तीन क्या है? ये तीन है मूल, लेकिन ये छह क्या है? छह है करणीगत संख्या। छह क्या है? करणीगत संख्या। करणीगत संख्या का मतलब ही होता है बच्चे, करणीगत संख्या का मतलब ही होता है करणी के अंदर की संख्या, करणी के अंदर की संख्या। तो बात हम यहां पर समझ गए हैं, क्या समझ गए हैं सर जी? मूल और करणी के अंदर की संख्या अगर समान है तो सजातीय करणी है। अगर इसके एग्जाम्पल हमको देखना हो तो हमने कहा रूट टू और रूट टू, करणी समान है। इसका देखो ये सजातीय करणी है, दोनों ये सजातीय करणी है। और सजातीय करणियों की खास बात हम आपको लिखा दें, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा जो हम करणी के नियम चाह रहे हैं, करणी के नियम तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कल मैं 100% आपको करणी के नियम सिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं वो सीख लो, फिर इसी चीज से हम चालू कर लेंगे। बच्चे आज नहीं हो पाएगा, कल हम कुछ सवाल भी कर लेंगे, ठीक है। देखो रूट टू और रूट टू ये सजातीय करणी है। देखो करणी का मूल भी दो है, करे करणी के मूल और करणी की गत की संख्या दोनों ही अगर समान है, करणी के अंदर भी दो इधर भी दो, तो ये समान है। और आपको पता है सजाती जो करणी होती है उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं। और विजाती करणियों को ना जोड़ा जा सकता है, ना जोड़ सकते, ना घटा सकते, ठीक है। अब ये देखो, अब इनको अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ दोगे, स्क्वायर रूट टू तो आपने लिखा दो स्क्वायर रूट टू, जुड़ गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सजातीय करणियों की, अगर एग्जांपल ही हम अगर दे दे और एक कह दे थ्री रूट टू और एक कह दे फाइव रूट टू, बताओ ये करणी सजाती है कि विजाती है? आप लोग बताओ कि थ्री रूट टू और फाइव रूट टू सजाती है कि विजाती है? बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो जा, सजाती है। देखो यहां पर भी स्क्वायर रूट है, यहां पर भी स्क्वायर रूट है, अंदर की दो यहां पर भी है, अंदर दो यहां पर भी है, सजाती है। इनको जोड़ा जा सकता है भाई, इनको जोड़ दो, तीन और पांच प्लस लगा दो, तीन और पांच, पांच तीन हो गया आठ रूट टू, देखो जुड़ गया। सजातीय करणी को जोड़ा जा सकता है। सजातीय करणी क्या होते हैं? जिनके मूल और करणीगत संख्या अगर समान है तो वो कैसी करणी होती है? सजातीय करणी होती है। अब जैसे अगर इनको घटाना है तो घटाया भी जा सकता है, घटाना है तो माइनस लगा दो, इनको जोड़ा भी जा सकता है तो घटाया भी जा सकता है। अगर माइनस लगाया तो पांच में तीन गया माइनस का ही, पांच में तीन गया दो, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, पांच बड़ा है तीन से, तो माइनस का टू रूट टू। लेकिन अगर कहीं विजाती करणी होती, विजाती करणी में कहेंगे अगर करणी का मूल भी असमान है या करणीगत संख्या या दोनों ही असमान है, इसकी परिभाषा कल हम लिखवा देंगे, अभी अगर आप लिख सकते हो करणी के मूल असमान है या करणी के अंदर की संख्या असमान है, असमान मतलब भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, या दोनों ही चीजें अलग हैं, तो करणी जो है वो विजातीय करणी में आएगी। और विजातीय करणियों को न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं,
जैसे वीडियो को लाइक कर देना बेटा, वीडियो को लाइक कर देना, कल की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है। और कल हम आपको एक चीज और सिखाने वाले, जितने बच्चे हैं यहां पर, हम आपको यहां पर एक चीज सिखाएंगे, वो क्या सिखाएंगे, एलआरपी के बारे में भी बताएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए नौकरी पाने के लिए, ठीक है, कि एलआरपी की जो मैथ है ये क्या है, एलआरपी की जो गणित है ये क्या है, ये हम आपको कल बताएंगे। इसके लिए भी कल उपस्थित होना, और इसके साथ साथ विजातीकरणी को तो हमने बता दिया है। जैसे अब एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे यहां पर स्क्वायर रूट थ्री दे दिया गया और एक दे दिया गया क्यूब रूट थ्री, तो आपने देखा कि करणी के अंदर की संख्या तो समान है, बहुत खुश हुए, लेकिन जो मूल है वो अलग अलग हो गए। ये करणी फिर सजाती नहीं बची, ये आ गई विजाती। तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, अगर प्लस लगाया तो ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस लगा के इसको जोड़ नहीं सकते, प्लस लगा दिया बस ऐसे ही छोड़ दिया, हो गया। इसको ना घटा सकते, माइनस अगर करना है तो माइनस लगा के छोड़ दो, इतना ही आंसर है। कभी अगर अंदर की संख्याएं अलग अलग हो, जैसे ये स्क्वायर रूट फोर और एक कह दें कि स्क्वायर रूट फाइव कह दें, आपने कहा कि स्क्वायर रूट ये भी दूसरे मूल की करणी, ये भी दूसरे मूल, तो सेम है लेकिन अंदर की संख्याएं अलग अलग हैं, तब भी विजाती करणी में आएगी। और कभी तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन बनेगी कि अंदर की संख्या और मूल दोनों ही चेंज हैं, जैसे स्क्वायर रूट फोर है और क्यूब रूट फाइव, मूल भी अलग है और अंदर की संख्या भी अलग है, तो ये भी कैसी करनी है, विजाती करनी है। इनको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है, जोड़ना है तो प्लस लगा के छोड़ दो, घटाना है तो माइनस लगा के छोड़ दो। ये सब कुछ आज हमने अगर आपको सिखाया है, टाइम हो गया है, लेकिन आपसे मैं एक चीज पूछ, वीडियो लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत से बनती है, ठीक है, लाइक कर देना, लाइक जरूर करके जाना है। अगर आपको ये 7 बजे की क्लास डेली चाहिए, 8 बजे की क्लास डेली चाहिए और 9 बजे की क्लास डेली चाहिए, रीजनिंग की क्लास होगी, रीजनिंग में उपस्थित हो जाना, लाइक कर देना और क्लास कैसी है जरूर बता देना, क्लास कैसी है। बातें मैंने बहुत कम की है, ठीक है, क्योंकि बातें कम करने से एक ये ज्यादा अच्छा होता है कि हम बहुत अच्छा कर पाते हैं, ठीक है, आपके लिए। तो क्लास कैसी लगी है, और 7, 8, 9 बजे वाली क्लास, और बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं आप लोगों के लिए, मॉर्निंग में भी क्लास का सोच रहे हैं, जल्दी ही क्लास होंगी। वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार करिए हम लोगों को थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं आपसे ये नहीं कह रहे कि प्यार ऐसे ही करो, क्वालिटी देखो, पढ़ाने का तरीका देखो, समझ में आता है तो हमारे साथ जुड़ो, ये सब चीजें जरूरी हैं, ठीक है। गुरु को अगर चुनना है तो भले देर लग जाए, ठीक है, लेकिन गुरु एक ही चुनो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट में बताना जरूर कि क्लास कैसी है, और लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।